नमस्कार दोस्तों, 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। तो IBPS क्लर्क का रिजल्ट निकला है और काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है और काफी लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, जैसा कि हमेशा होता है। क्योंकि देखिए, सीट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो सबका सिलेक्शन हो जाए ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। काफी दुख हो रहा होगा उनको, मुझे पता है, ये तो बहुत ही नेचुरल बात है, दुख होना तो स्वाभाविक बात है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? शायद आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिले, कुछ मोटिवेशन मिले और आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। देखिए, मैं पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे चैनल के नाम से आप समझ सकते हैं, मैंने चैनल का नाम ही रखा है 5 ईयर स्ट्रगल। मतलब लगभग 4-5 साल से स्ट्रगल मेरी चल रही है और इसके बीच में मैंने कम से कम 15 से 20 मेंस का एग्जाम दिया है। बैंक का सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और पिछले साल ऐसा हुआ था कि मेरा प्री भी नहीं निकला था, सिर्फ SBI क्लर्क का प्री निकला था। बाकी IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SBI PO, किसी का भी प्री नहीं निकला था। काफी डिसहार्टेंड फील हुआ था मुझे। और उसके बाद SBI क्लर्क का एग्जाम मेंस का ठीक ठाक गया था, अच्छा ही गया था, और मुझे लग रहा था कि SBI क्लर्क का मेंस तो मैं इस बार क्लियर कर ही लूंगा, लेकिन वो भी नहीं निकला। तो उसके बाद मुझे काफी दुख हुआ, काफी डिसहार्टेंड फील हुआ मुझे, और मुझे एक समय के लिए लगा कि मैं तैयारी छोड़ दूं, नहीं होगा मेरे से, मैं प्राइवेट जॉब कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बहुत तरह का दिमाग में टेंशन हो जाता है, क्योंकि देखिए, जब रिजल्ट नहीं होता है तो सिर्फ आप उदास होते हैं, आपके साथ आपके घर वाले भी उदास होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है काफी, ठीक है? कहीं भी जाएंगे तो पूछता है लोग कि क्या कर रहे हैं आप, तैयारी कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं। तो काफी ये सब काफी चीजें सबके साथ होती है, ठीक है? आपको मिलेंगे, आपके सोसाइटी में बहुत सारे लोग, आपके रिलेटिव में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको ताना देते होंगे, ये तो नेचुरल बात है, मेरे साथ भी होता है, काफी हुआ है। तो आपको बहुत प्रेशर महसूस होता होगा, ठीक है? तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। हालांकि मैं मतलब कुछ ऐसा मैंने कुछ कारनामा किया नहीं है कि आप कुछ सीख लें, लेकिन फिर भी एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पिछले 4-5 साल से तैयारी करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ है और मैं लगातार तैयारी करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। कितने सारे ओकेजन, कितना सारा पूजा, कितने सारे पार्टी, सब कुछ मैंने छोड़ दिया सिर्फ एग्जाम के लिए, ठीक है? और फाइनली RRB क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मैंने वीडियो पे डाला भी है, अगर आपने देखा नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। RRB क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, बिहार का दक्षिण ग्रामीण बैंक मिला है। तो अब आप बताइए कि अगर मैं छोड़ देता तैयारी पिछले साल जब मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा था, तो क्या मैं सिलेक्शन ले पाता RRB क्लर्क में, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में? नहीं ले पाता। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं माना। आपको YouTube में काफी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जिन्होंने हार नहीं मानी है और आज वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, आप 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 3 साल से, 5 साल से, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आपने जॉब लिया कि नहीं। अगर आपने जॉब ले लिया है तो कोई नहीं पूछता आपसे कि आप तैयारी कितने दिन से कर रहे हैं, ठीक है? बस ये पूछता है कि रिजल्ट हुआ कि नहीं। सब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं। तो अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है IBPS क्लर्क, या इस साल एक भी प्री नहीं निकला है, तो देखिए, निराश होना तो स्वाभाविक बात है। ये बहुत ही आसान है बोलना कि कोई बात नहीं, अगले साल के लिए प्रिपेयर करो, अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन जिसके साथ बीतता है वही इस दुख को अनुभव कर सकता है। और मेरे साथ ये काफी टाइम हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं अनुभव कर सकता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स का नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसका भी दुख है मुझे, ठीक है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनका PO नहीं हुआ उनका क्लर्क हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। तो काफी प्रॉब्लम में होंगे वो मुझे पता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बस मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि तैयारी मत छोड़िए, ठीक है? अगर आपको कभी भी लगे कि गिव अप कर देना चाहिए, तो आप मेरे चैनल का सिर्फ नाम याद रखिए कि मेरे चैनल का नाम क्या है, आप उसी में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है? 5 साल, 4-5 साल कोई आसान काम नहीं है। एक ही चीज के पीछे आप 4-5 साल से लगे हुए हैं, ठीक है? आपको ही पता है कि कितना ताना सुनना पड़ता है सभी लोगों का। तो बस मैं भी आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने आप में लेकिन इम्प्रूवमेंट लाइए, ठीक है? आप देखिए कि आपका क्यों नहीं हो रहा है। आपने मॉक लगाए थे क्या? आपने हर एग्जाम में जाने से पहले 30-40 मॉक लगाए क्या? आपने मॉक लगाने के बाद एनालिसिस किया पेपर को? ये आप सोचिए और अपने आप में हमेशा सुधार लाइए, इंप्रूवमेंट लाते रहिए। ऐसा नहीं कि खाली तैयारी कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट लाइए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश पे वर्क कीजिए, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग पे वर्क कीजिए। एक समय था जब मुझे पजल से काफी डर लगता था, मैं रीजनिंग में प्री में पजल ही नहीं बनाता था डर के मारे, ठीक है? जबकि पजल कितने आसान होते हैं, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके कारण मेरा कितना सारा एग्जाम प्री होता भी था तो मेंस नहीं होता था, और मेंस तो आज भी नहीं होता है, बस एक मेंस निकला है। तो फिर मैंने खूब प्रैक्टिस की, पजल की खूब प्रैक्टिस की, और फिर मैं प्री में अच्छा स्कोर करने लगा।
और मेंस में भी ठीक ठाक स्कोर करता हूँ। हालांकि अभी भी मेंस का मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ और मेहनत करना है मुझे मेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब आप हो सकता है आप अगर निराश हैं, अगर आप दुखी हैं, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं आपको क्या सजेशन दूं, तो आप आराम से सो जाइए, रेस्ट लीजिए, 1-2 दिन का गैप लीजिए, ब्रेक लीजिए, घर जाइए, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमिए, थोड़ा बाहर जाइए, थोड़ा पार्टी करिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा माहौल को चेंज करिए। उसके बाद जब 2-3 दिन जब समय निकल जाएगा, उसके बाद आराम से फ्रेश स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपके आसपास में कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसे टीचर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप उनके पास जाइए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं और मुझसे आइडिया ले सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो पिछले साल मेरा एक भी प्री क्लियर नहीं हो रहा था, सिर्फ एक हुआ था, और इस बार सारा प्री कैसे क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें अगर आप चाहें तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। बस आपसे यही बोलूंगा कि हिम्मत मत हारिए, ठीक है। एक पोएम था बचपन में पढ़ा था मैंने, कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दाढ़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। आपने भी सुना होगा ये पोयम, बचपन में पढ़ा होगा। तो इसमें यही बोल रहा है कि आप चलते रहिए, रुकिए मत, ठीक है, चलते रहिए, चाहे कितना भी परेशानी आ जाए, चलते रहिए, रुकिए मत जब तक मंजिल नहीं मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बहुत अच्छा बात कहा था कि उठो और चलो, और तब तक चलो जब तक मंजिल नहीं मिले, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा था। SBI क्लर्क का जब मेरा फाइनल नहीं हुआ था तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा इमोशनल अभी भी मैं हो रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मेरा अगर इस बार हुआ है तो आपका भी अगला बार जरूर होगा, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चाहे आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, अगर आप दिल से तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन आपका भी जरूर होगा, और आप खुशी से उस दिन मुझे याद करके बोलेंगे 5 Year Struggle चैनल को कि आज मेरा भी रिजल्ट हुआ है, ठीक है। तो आज आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि हाँ मैं उदास होऊंगा, ये निराश होइए, दुख दुख जता लीजिए, हक है आपको अभी दुख होने का, दुखी होने का, लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि नेक्स्ट ईयर 2022 में पहला एग्जाम से आप निकालना स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन का लेवल कुछ ऐसा रखिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जाम ट्राई टू गेट द एग्जाम, ओके। ये मेरा आपको सजेशन है, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।